हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर फोर है एयर, इसके कंप्लीट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर का जस्ट डिफिनेशन लिख देना है। एटमॉस्फेयर इज द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, इज डिवाइड इंटू फाइव डिफरेंट लेयर। मतलब आपको जस्ट एटमॉस्फेयर पूछा है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो जस्ट एटमॉस्फेयर का क्या कर लेना, हमको डिफिनेशन लिख देना है कि एटमॉस्फेयर इज द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, बस इतना तक लिखना है। लेकिन अगर आपको इसमें फाइव मार्क का क्वेश्चन अगर भी इसमें दे देता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सभी लेयर को भी क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर फाइव मार्क में पूछ दिया तो आपको यहाँ पे उसके डिफरेंट मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कितने लेयर्स होते हैं, तो फाइव लेयर्स होते हैं। तो पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, तो इसके बारे में लिखना है, इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज जस्ट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द एयर वी ब्रीथ इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, द सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम लोग जो एयर ब्रीथ लेते हैं सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, और हम लोग को लाइफ सपोर्ट कौन करता है, ट्रोपोस्फेयर ही, और ये अर्थ सर्फेस के जस्ट ऊपर वाला स्फीयर होता है। ये 13 किलोमीटर तक होता है, कितना होता है 13 किलोमीटर, अर्थ से 13 किलोमीटर ऊपर तक ये एटमॉस्फेयर का लेयर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा लेयर पे आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बारे में लिखना है, एबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, दिस ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर। मतलब कि ये जो इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर पाया जाता है और एरोप्लेन इसमें फ्लाई होता है। इसमें हमको ये लिख देना है क्यों एरोप्लेन फ्लाई होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्यों है, क्योंकि इसमें कोई वेदर कंडीशन इसमें नहीं होता है। जितने भी क्लाउड और रेनफॉल जो भी होते सब स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर में ही होता है, तो इसीलिए ये क्या होता है पूरा क्लीन होता है, जिसके वजह से प्लेन उड़ाने में इस लेयर में बहुत ही मतलब इजी होता है, अच्छा होता है। तीसरा लेयर होता है मेसोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, ऑब्वियसली बात है, इट एक्सटेंडेड टू 80 किलोमीटर, मेट्रोइड्स बर्न इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। मतलब कि मेट्रोइड्स जब एंटर करता है धरती पर आने के लिए तो मेसोस्फीयर में क्या होता है, मेट्रोइड्स बर्न हो जाती है। अगला पॉइंट आता है, अगला जो लेयर होता होता है थर्मोस्फीयर, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, दिस लेयर हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन। थर्मोमीटर का ये इतना लिख देना है कि मतलब इसमें ये क्या होता है, इसमें जैसे कि थर्मोस्फीयर में ऊपर जैसे ही बढ़ोगे आप तो इसका टेम्परेचर क्या होता है वो भी बढ़ने लगता है लगातार, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसमें जो है आयन, जिस तरह से हम लोग देखे थे कि इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिला था, उसी तरह से थर्मोस्फीयर में क्या होता है आपको आयनोस्फीयर देखने को मिलता है। इसमें रेडियो ट्रांसमिशन में के लिए ये क्या होता है बहुत ही हेल्पफुल करता है, कैसे हेल्प करता है, तो ये रेडियो वेव जो ऊपर जाता है उससे क्या करता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है ये, ठीक है। इसका जो हाइट होता है ये 80 to 400 किलोमीटर तक का क्या होता है आपको हाइट देखने को मिलता है, इसका मतलब रेंज होता है। और अगला एंड लास्ट होता है आपको एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर में लिख देना द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन नॉन एज एक्सोस्फीयर, दिस इज वेरी थिन एयर, इसमें बहुत ही कम एयर होता है, वो भी लाइट गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम ये सब गैसेज इसमें पाए जाते हैं। फिगर के थ्रू भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसमें फिगर भी है कि इतना ये सभी लेयर हैं, इसके साथ साथ आपको हाइट भी दिया गया है और इसमें आपको सभी का सभी फिगर के साथ मेंशन है। तो आई होप कि फिगर भी आपको अंडरस्टैंड में क्या करने का मतलब हेल्प करेगी समझने में। तो इसमें आपको थिकनेस भी दिया है कौन कितना तक दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं 7 किलोमीटर दिया, लेकिन लगभग 13 किलोमीटर के आसपास ये होता है, 15 किलोमीटर 80 to 85, और मतलब ये साढ़े मतलब 400 तक होते हैं लगभग। थोड़ा सा रेंजेस इसके क्या हैं डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ और ही कहती है इसके रिस्पेक्ट में, ये तो इसका दोनों का कॉमन है, ठीक है। मतलब रेंज को छोड़ देखें, अगर हम इसको छोड़ते तो क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ें बेटर वे में एक्सप्लेन करता है। अब अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, ये बोलता है विच टू गैसेस मेक्स द बल्क एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो कौन सा दो गैसेस हैं, तो ऑब्वियसली बात होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% होता है पूरा एटमॉस्फेयर का और ऑक्सीजन 21% होता है। थर्ड क्वेश्चन है विच गैसेस गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद अदर गैसेस सच एज मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन कॉजिंग द ग्रीन हाउसेस इफेक्ट। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ
हीट, ये आपको यही होता है ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, मतलब कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही होती है। तो मतलब इसमें जस्ट बोल रहा है कि ग्रीन हाउसेस इफेक्ट कौन कौन गैस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देता है, तो जैसे हमको इसमें नाम लिखना है, उतना डिटेल में हमको यहाँ पे नहीं लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेदर, वेदर क्या होता है। वेदर इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट चेंज आवर टू आवर, वेदर टू ऑफ प्लेस कीप चेंजिंग डे टू डे एंड इवन आवर टू आवर, अ रिकॉर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मतलब ये कह रहा है कि वेदर जो होता है वो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है। वेदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है किसी भी प्लेस का, उस एटमॉस्फेयर का क्या मतलब आवर टू आवर क्या चेंजेस आ रही है उस एटमॉस्फेयर में, या डे बाय डे क्या चेंजेस आ रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर। सिंपल सी भाषा में बोलेंगे तो मतलब ये आपको आज से एक मान लो कभी धूप उग रहा है, थोड़ी देर बाद रेन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, वेदर हो गया। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो ये जब अगर बहुत लंबे समय तक, जैसे कि ये कोई प्लेस है और किसी मंथ में, जैसे मान लो अभी सेप्टेम्बर है, तो सेप्टेम्बर मंथ में इस प्लेस पे कितने मतलब पिछले 25 साल से, पिछले एटलीस्ट 25 साल से यहाँ पे कैसा वेदर रहा है, उसका एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज को क्या कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है। वैसे ही फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर पूरा पूरा एक्सप्लेन्ड है एक ही वीडियो में, आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी विजिट कर सकते हो या मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, इस पर पूरा पूरा इस पॉइंट क्या है सभी के सभी एक्सप्लेन्ड है एक ही वीडियो में आपको। अब हम अगला क्वेश्चन को और सीख होते हैं। अगला होता है वाटर नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल हम लोग देखे थे कौन कौन होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो पहला होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, बस उसमें आपको क्या लिखने के लिए कह रहा है, नाम लिखने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी इसका डिफिनेशन कुछ लिख दिया है ताकि अगर आपको अगर डिटेल में लिखना है या फिर अगर 3 मार्क का पूछ दिए तो आपको ये चीज़ें लिखना पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप दे रीच हाई अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कूल डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स, व्हेन क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर दे फॉल डाउन एज रेनफॉल। मतलब होता क्या है कि जब वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, और कंडेंस होने के बाद क्या होता है कि क्लाउड फॉर्म कर लेता है, और क्लाउड फॉर्म क्लाउड का भी कैपेसिटी होता है कि कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है। अगर क्लाउड की कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर वो होल्ड ज़्यादा वाटर कंडेंस होने लगा तो वो क्या हो जाता है, ज़मीन पे गिरने लगता है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेन। उस रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेन। दूसरा टाइप होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इट अकर्स व्हेन द मॉइस्ट एयर राइजेज अप द माउंटेन फॉर्म्स द ओरोग्राफिक क्लाउड एंड फॉल्स एज रेनफॉल। मतलब कि क्या होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्या होता है जब मॉइस्ट एयर माउंटेन्स ऊपर चला जाता है तो ये कौन सा क्लाउड बनाता है, ओरोग्राफिक क्लाउड बनाता है, और ये जब फॉल डाउन होती है वो इस क्लाउड से रेन, तो उस रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। अगला होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, ये क्या होता है, इट अकर्ड व्हेन द साइक्लोन विंड्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेंसिटीज मीट। मतलब कि जब साइक्लोन होता है तो साइक्लोन में अलग अलग टेम्परेचर का एयर, अलग अलग ह्यूमिडिटी का एयर, अलग अलग डेंसिटी का एयर क्या होता है, मिक्सअप होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़ोर से बारिश होती है, तो उस रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका सिंपल सा डिफिनेशन होता है, द एयर दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस एग्जर्ट प्रेशर ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप इन द एयर, दिस इज वेयर माउंटेन फेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड समटाइम्स देयर नोज ब्लीड बिकॉज प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द विंग्स बिकम मोर देन द एयर प्रेशर। मतलब कि इसका सीधा सा एक डिफिनेशन, जैसे कि आप पूछा है डिफिनेशन पूछा है, तो डिफिनेशन हम लिख देंगे कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसी एयर प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हम लोग या इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आप डिफिनेशन लिख सकते हो। ये थोड़ा सा हम डिटेल में ये भी आपको क्या करते हैं बता दिए ताकि मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन से। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यही एयर प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ सर्फेस से, एयर प्रेशर क्या होता है, घटते जाता है। इसीलिए जब हम पहाड़ वगैरह सब पे चढ़ते हैं तो हम लोग को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत आती है, और कभी कभी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों, क्योंकि एयर प्रेशर घट जाता है और वेंस मतलब नस जो है हमारे नस में ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एयर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, तो ब्लड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब आवाज आता है वन ऑप्टिक वाला, मतलब कि एक ऑप्शन चूज करने वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेन। ऑब्वियस सी बात है ओजोन, ओजोन लेयर ही क्या करता है हार्मफुल रे, मेनली यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को सेव करता है। अगला क्वेश्चन है
मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर कौन हो गया आपका? ट्रोपोस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी में क्या होता है, एयर प्रेजेंट, यही इसी में एयर, मोस्ट ऑफ द एयर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग को सांस लेने में मतलब कि फेवरेबल कंडीशन बनाती है। अगर ये फेवरेबल कंडीशन बनाएगी नहीं, हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन जाएगा? ट्रोपोस्फीयर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द ट्रॉप बिकॉज इट इज द ओनली लेयर दैट सपोर्ट लाइफ, मतलब यही एक ऐसा एटमोसफेयर है या एटमोसफेयर का लेयर है जहाँ पे आपको जिंदा रहने को मिलता है। अगर कोई दूसरा लेयर में जाओगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे हम लोग, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे भी आप देख रहेंगे, मतलब ये वाला एयर प्रेशर वाला, जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब दूसरे लेयर की तरफ जाते हैं, देख रहे हो नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, धीरे धीरे ऊपर जाओगे और क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। मतलब कि ये क्या करता है हमको, सबसे इंपॉर्टेंट कौन जाएगा? ट्रोपोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, मतलब कौन सा लेयर जो एटमोसफेयर का होता है वो क्लाउड से फ्री होता है, मतलब उसमें क्लाउड नहीं होता, तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेटोस्फीयर। इसी कारण क्या होता है आपको, एरोप्लेन वगैरह सब इस लेयर में ज़्यादा मतलब मतलब फ्लाई करता है। क्यों? क्योंकि कोई इसमें क्लाउड वगैरह सब नहीं होता, या फिर कोई वेदर फेनोमेनन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वी एज वी गो अप लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर, मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, अभी हम जस्ट पढ़े हैं, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑब्वियस बात है, देखो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ ये पूरा क्या है, एयर का है, एयर का वेट जो होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे हम ऊपर यहाँ आ जाएंगे तो ये एयर तो हमारे ऊपर वेट नहीं डालेगा, अब वेट कौन डालेगा? जस्ट ये एयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही तो वेट ऑफ एयर ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो ये वेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या घट जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। फिर ठीक करने वाला है, व्हेन प्रिसिपिटेशन कम्स डाउन ऑन द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड, मतलब कि प्रिसिपिटेशन, मतलब कि पानी जो बन के ऊपर से क्लाउड से नीचे आता है धरती पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग रेन, ठीक है। द वाटर, इसमें आपको पूरा डिटेल में बता दिया, मतलब हाई अप देन देयर, इतना फिर से वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ड्रॉपलेट्स वेंट ओवर, दीज ड्रॉपलेट्स बिकम द हैवी फ्लोट इन एयर, दे डाउन प्रिसिपिटेशन ऑफ एयर, मतलब इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देना। अब अगला आ जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, उनको मिलाने वाला है। तो अब देखो ट्रेड विंड, आपको पता होगा जो मेरा, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ये चैप्टर कंप्लीट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो मेरे, इसका जो है कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है, उसको उस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, जिससे आपको सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आया ट्रेड विंड को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रेड विंड को हम लोग क्या बोलते थे, परमानेंट विंड। ट्रेड विंड क्या होता था? परमानेंट विंड। तो इस तरह से आपका क्या होता है, क्वेश्चन आंसर पूरा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन है कि ट्रेड विंड, परमानेंट विंड क्या होता है, विंड ऑफ टाइप, लू क्या होता है। इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। एक सेकेंड, थोड़ा सा लगता है एक स्लाइड जो है इसका आंसर का कहीं मिस हो गया, मतलब कि मैंने स्लाइड लाया नहीं इसका। लेट्स सी, एक जस्ट अ मिनट, ये है क्या, अब ये पॉइंट है, ये भी एक क्या है, अगला मैं इसको सेट कर देता हूँ, मैं स्लाइड लाना भूल गया था। इसी में क्या है उसका आंसर पूरा अब देखो, हाँ अब जो है हम लोग अब मिलाने वाला, जैसे कि ट्रेड विंड क्या होता है, ट्रेड विंड को ही हम लोग क्या बोलते थे, परमानेंट विंड बोलते थे। ट्रेड विंड को ही क्या बोला जाता है, परमानेंट विंड बोला जाता है। दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि परमानेंट विंड पूरा दिन जो चलता है उसे, पूरे ईयर चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड। और यही क्या होता है, ट्रेड विंड। तो एक का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है लू। लू क्यों होता है, तो आपको लोकल विंड के कारण लू होता है। लोकल विंड क्या होता था कि आपको याद होगा कि लोकल विंड होता था आपको, जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता था ये कौन सा होता था, लोकल विंड होता था। तो लोकल विंड के कारण क्या होता है आपका, लू होता है। तो दो का क्या हो जाएगा, एफ। तीसरा क्या हो जाता है, मानसून। मानसून क्या बोलते हैं, मानसून सीजनल विंड के कारण क्या होता है, मानसून आता है। सीजनल विंड के कारण क्या होता है, मानसून। हम लोग पढ़े हुए हैं कि सीजनल विंड क्या होता है, मानसून। तो मानसून क्या होगा, सीजनल विंड, आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। तो मानसून क्या हो जाता है आपका,
सीजनल विंड, द मानसून विंड कड़े, मतलब कि क्यों मानसून को सीजनल विंड कहते हैं, तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दी गई है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं अपने उस जिसमें मैंने पढ़ाया था इस लेयर को। दूसरा है विंड, विंड क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विंड बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर का बी हो जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है। अब आप फोर्थ क्वेश्चन आता है गिव रीजन वाला। अब क्या होता है गिव रीजन वाला, कि वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, मतलब कि गर्मी के मतलब ज़्यादा ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी मतलब कि ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होना किसमें, एयर में। तो अगर वाटर वेपर ज़्यादा एयर में प्रेजेंट होगा उसे ही क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिड डे मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी, तो अगर एयर का ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो उस टाइम कपड़ा सूखने में ज़्यादा समय लेता है, क्यों, तो उसका रीजन बताएंगे कि ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर ऑलरेडी कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स इन इट। मतलब कि ह्यूमिड डे में क्या होता है कि एयर जो है बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर को ही क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहले से ही होता है। दिस इज वाई वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई एज वेल लेस वाटर वेपर फ्रॉम देम। मतलब कि होता क्या है कि मॉइस्चर मतलब कि क्या कहते हैं, जब ह्यूमिड डे में वाटर वेपर एयर में मैक्सिमम नंबर या फिर बहुत ज़्यादा पहले से ही वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट होता है। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने का मतलब क्या होता है, उस कपड़े में जो पानी है, तो कपड़े में जो पानी वो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, तभी कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाना। तो ये जो वाटर वेपोराइज होगा तो वेपोराइज होकर जाएगा कहाँ, एयर में, एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाए, कम इवेपोरेशन होने के कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे सूखता है। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब क्या कहते हैं, ह्यूमिड डे में क्या हो जाता है, आपको धीरे धीरे वाटर क्या कहते हैं, क्लॉथ्स वगैरह सूखते हैं। इसे ही इसका पीछे का रीजन है। अगला है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, मतलब कि इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन पोल की तरफ जैसे जैसे जाते हैं हम तो इंसुलेशन घटते जाता है, क्यों, इसके पीछे का रीजन बताना है। तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। मतलब कि इंसुलेशन होता क्या है, तो सोलर एनर्जी जो अर्थ इंटरसेप्ट करता है, मतलब कि मतलब एब्जॉर्ब करता है यू कैन से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। तो द अमाउंट of insulation decrease from the equator to the poles, it happens as the sun ray falls standing on the poles while they fall slightly on the equator, straightly on the equator। होता कुछ यूँ है कि जैसे कि मान लो कि अर्थ है और ये मान लेते हैं कि सन रे इस पर फॉल हो रही है, तो सन रे जो फॉल होती है मेनली इक्वेटर के पास आसपास यहीं पर सन रे फॉल होती है, मतलब टॉरिड जोन में। इधर जो है आपको पोल तरफ में आपका सनरे बहुत कम अमाउंट में जाता है, तो कम अमाउंट में जाता है तो यहाँ का जो अर्थ है वो कम अमाउंट का क्या करेगा, सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो जहाँ जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उसका इंसुलेशन क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम जब पोल की तरफ इक्वेटर से बढ़ते हैं तो हमारा सोलर एनर्जी क्या होता है, कम होते जाता है, मीन्स हम लोग का इंसुलेशन में क्या होता है, घटते जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है फॉर फन के लिए, मतलब आपको यहाँ पे पजल दी गई, पजल को हमको क्या करना है, ये वाला आपको बुक वर्ड्स में दिया गया जाता है ये पजल, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आप नोटिस करोगे कि इसमें दो मतलब ये जो देखने को मिलेगा आपको, ये दो ही बॉक्सेस का जो ये ग्रुप है आपको दो लाइन में देखेंगे, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली, ठीक है, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली, हर एक जगह आपको दो ही देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो हॉरिजेंटली वर्टिकली, कोई भी मतलब इसके अलावा नहीं होता है। अब देखो कि इसका हिंट दिया रहता है, जैसे कि अक्रॉस मतलब होता है हॉरिजेंटली, अक्रॉस मतलब क्या हो जाता है, हॉरिजेंटली। अब आपको यहाँ पे हिंट दिया है, देखो सिक्स यहाँ पे क्या दिया है, सिक्स, तो हम लोग सिक्स नंबर ढूंढेंगे। सिक्स यहाँ पे आपको शायद नंबर में देखने को प्रॉब्लम होगी, ये है आपका सिक्स, तो ये क्या है सिक्स, मतलब आप बुक में देख सकते हो, तो आपके बुक में भी ये दिया हो जाता है हिंट। इसमें ये कह रहा है एन इंडियन ट्री हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल, पीपल में क्या हो, पीपल क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मतलब कि ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, ये इंडियन ट्री है, हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं। तो देखे होंगे कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंट दिया था और इसका आंसर क्या होता है, पीपल, और उसमें पीपल हम लोग भर देंगे। उसी तरह से अब देखो कि इसमें डाउन, डाउन मतलब क्या होता है, वर्टिकली, वर्टिकली में आपको दिया है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, दो नंबर देखो कहाँ है, दो नंबर ये रहा, हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मॉइस्चर भर देंगे, एम ओ आई एस, ह्यूमिडिटी आएगा यहाँ पे, एच यू एम आई डी, ह्यूमिड, ह्यूमिड को ही, ह्यूमिड मतलब क्या होता है, वाटर पेपर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, हिंट दिया, वैसे मैंने यहाँ पे क्या कर सका, फुल फिल करके आपको बता दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो शायद थोड़ा सा,
तो स्क्रीनशॉट आई होप कि आप ले लिए होंगे, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको ताकि आपको बेटर एक स्क्रीनशॉट आए, ताकि आप बना लो फिर से इसे, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मैकफन में, मेक अ वेदर कैलेंडर फॉर वन वीक, यूज पिक्चर ऑफ सिंबल्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, यू कैन यूज मोर देन वन सिंबल इन अ डे इफ वेदर चेंज, फॉर एग्जाम्पल द सन काउन और द रेन ड्रॉप्स एन एक्सिमली इन बिलो गिवन बिलो। मतलब ये कह रहा है कि फन के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या मतलब कि वेदर का अलग अलग कंडीशन को लिखना है, क्या करना है अलग अलग, जिस तरह से यहाँ देखो अगर फिगर की तरह से एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्या है सन दिखा रहा है, तो सन ज़्यादा रहेगा तो उसे बोलते हैं सन्नी डे, क्या बोलते हैं हम लोग सन्नी डे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, धूप ज़्यादा रहेगा उस दिन, अगर सन ज़्यादा रहेगा दिखेगा तो क्या होगा धूप ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से आपको अलग अलग क्या करना है, आपको मतलब वेदर कंडीशन को हम लोग क्या करना है दर्शाना है, और इधर आपको बारे में लिखना है कि वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसका फिगर बनाना है उसके बारे में। तो देखो इसमें एक हिंट दिया था आपको, सन निकला रहेगा तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग सन्नी डे, अगर क्लाउड ज़्यादा बना रहेगा तो उसे हम क्लाउडी डे बोलते हैं, अगर क्लाउड से रेन ज़्यादा फॉल मतलब नीचे गिरेगा, रेन ज़्यादा मतलब कि फॉल होगी रेन होगी तो हम लोग उसे रेनी डे बोलते हैं, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हिल रहे हैं तो उसे बोलते हैं स्टॉर्म डे, मतलब कि स्टॉर्म जो है, और अगर कुछ मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है सीधा शांत है पेड़ पौधे सब, उसे बोलते हैं काल्म डे। तो ये अलग अलग वेदर कंडीशन है एक दिन में, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि इसी के साथ आपका एक्सरसाइज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और आई होप कि आपको पूरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका होगा और आपको समझ में भी आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन छूट गया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश अवश्य करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।